फाइनली ये फौजी की रिलीज डेट आ गई है, अब आप भी फौजी गेम खेल सकते हो। हे गाइस, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू द चैनल। कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कई सारे सवाल आ रहे हैं कि फौजी गेम कब रिलीज होगा, फौजी गेम कब होगा रिलीज इंडिया में, कब हमें ये गेम प्ले स्टोर पे देखने को मिलेगा, कब इस गेम को हम खेल पाएंगे। कई सारे सवाल का हम जवाब देंगे गाइस इस वीडियो के अंदर। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, और हमारे अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं करो तो वीडियो को लाइक कर देना। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ओके गाइस, क्योंकि ढेर सारे अपडेट्स के रिलेटेड, टेक के रिलेटेड हम वीडियोस पोस्ट करते हैं इस चैनल के ऊपर, ओके। जैसा कि आप सभी को पता है, पबजी जब बैन हुआ था उसके दूसरे दिन इन्होंने फौजी को अनाउंस कर दिया था। जैसे कि आप सभी को पता है, फिर नहीं भी पता मैं आपको कह देता हूँ, फौजी गेम जो है एक बैंगलोर बेस्ड एनकोर कंपनी है जिसे मेंटर कर रहे अक्षय कुमार, ओके। आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो, जब अक्षय कुमार यहाँ पे मेंटर करें, इनकी मूवीज इतनी देशभक्ति वाली होती है, तो इनका गेम कैसा होगा, गेम जो है नेक्स्ट लेवल पे होगा। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस गेम को खेलने के लिए, ओके गाइस। अब आप भी होपफुली आप भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इस गेम को खेलने के लिए। भैया हमारा मेन क्वेश्चन आता है, फौजी गेम कब रिलीज होगा, ओके। मैं कह देता हूँ गाइस आपको, एज पर सोर्सेस अक्षय कुमार और ये एनको कंपनी इन्होंने कहा था कि फौजी गेम जो है आपको अक्टूबर की एंड में आपको देखने को मिलेगा। भाई अक्टूबर तो चला गया गेम नहीं, तो अब नवंबर स्टार्ट है बट अक्टूबर चला कि गेम नहीं है, तो लेकिन आपको अक्टूबर में गेम तो देखने को नहीं मिला, बट आपको अक्टूबर में गेम का टीजर आपको देखने को मिला, यानी कि 25 अक्टूबर को गेम का टीजर लॉन्च हुआ था। तो अगर आपने अभी तक गेम का टीजर नहीं देखे होंगे तो एक बार हम गेम का टीजर बता देते हैं, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखे, बहुत सारे लोगों ने देख लिया। अगर आपने देख भी लिया होगा तो एक बार हमारे साथ देख लो, एंजॉयमेंट कर लो, हो सकता है हम इसके अंदर फर्स्ट हमारा इंप्रेशन भी दे देंगे, फर्स्ट रिव्यू भी दे देंगे। तो एक बार थोड़ा सा एक मिनट का टीजर है, छोटा सा टीजर है, हम आपको दिखा देते हैं कि आप देख लेना, ओके। तो चलिए हम देख लेते हैं, ओके। एंट्री तो काफ़ी कमाल की थी गाइस, क्या बात है। यहाँ पे सरदार जी हमें देखने को मिले, सपोर्टिंग भारत के वीर, आत्मनिर्भर भारत, ओके। ओह ठीक है, आपने अभी तो देख लिया टीजर। अब मेरे ऑनेस्टली अगर मेरा फर्स्ट इंप्रेशन दूंगा गाइस आपको, तो मुझे टीजर जो है काफ़ी पसंद आया, होपफुली गेम भी ऐसी हो। अब गई बात करते हैं गेम की ग्राफिक्स की, अब ग्राफिक्स का जो इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस टीजर को देखते हुए। अब जब गेम हम खेलेंगे हाथ में, पर्सनली हम गेम को जब प्ले करेंगे तो तब समझ में आएंगे गेम की ग्राफिक्स कैसी। अगर बात करें गेम की ग्राफिक्स को ही लेकर, अगर टीजर को देखते हुए बात करें, तो गाइस अगर मैं ऑनेस्ट कहूँ, ग्राफिक्स ना मुझे एवरेज लगे गाइस। अब जब गेम एक्चुअल में हम प्ले करेंगे तब ग्राफिक्स का सही अंदाज़ा लगेंगे कि ग्राफिक्स कैसे, तो जब गेम आए तो जब लगेंगे। अगर टीजर को देखते हुए ग्राफिक्स की बात करें तो एक एवरेज ग्राफिक है, एक स्मूथनेस मुझे लगा, एक रियलिटी थोड़ा कम लगा। होपफुली आगे अपडेट्स में ये भी जो है इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, अभी फिलहाल के लिए काफ़ी बेस्ट है। और अगर आप स्टार्टिंग में जब देखेंगे जो हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, वो जो बोट जो लगा हुआ था गलवान वैली, उसके नीचे कुछ भी 1000 फीट्स लिखा हुआ था, वो भी उन्होंने कितनी छोटी छोटी चीज़ों पे यहाँ पे गौर किया गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर मेन हमारा यहाँ पे प्यारा इंडियन फ्लैग उन्होंने दिखाया है, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है यहाँ पे। और जो ड्रेस कोड है कैरेक्टर्स का, तो वो भी इंडियन आर्मी का ड्रेस कोड है, ये सब सही है। और जो इवेंट्स हो रहे, जैसे कि जो गलवान वैली है, ये बोलते हैं ट्रू स्टोरी है, ट्रू इवेंट्स हुए थे यहाँ पे, जो वॉर हुई थी वो सही है। तो इसके अंदर ऐसे एक सोर्स है, मतलब कि एक ऑफिशियली तो नहीं बोल सकते, पता नहीं कि ऐसा सोर्स चल रहा है कि इसके अंदर 6 मिशन्स हो गए। अभी कितना सही है कितना गलत है ये नहीं पता, और इसके अंदर 6 मिशन्स हो गए, कि 6 मिशन आपको जो मेन इवेंट्स होते हैं वो 6 मिशन आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पे तो प्लेयर अननोन बैटल, जो पबजी जैसा खेलते थे आपके फ्रेंड्स के साथ, वैसे तो आप ये गेम खेल सकते हो। अब इसके अंदर TDM मैच होगा तो नहीं होगा ये मुझे इतना अंदाजा नहीं है, बट गेम आई बात समझ में आएगा। तो टीजर को देख के इतना कुछ कह सकते हैं। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसके लिए ये वीडियो बनी थी कि गेम कब लॉन्च होगा, फौजी गेम कब लॉन्च होगा। तो देखिए अब इन्होंने अक्टूबर का जो कहा था वो तो अब चले गया, आपको सिर्फ अक्टूबर में के एंड में ना गेम देखने को मिला, सिर्फ आपको टीजर देखने को मिला। बट गाइस ये नवंबर के अंदर उम्मीद की किरण जो है फिर से जाग चुकी है। इन्होंने कहा है एज पर सोर्सेज गाइस कि नवंबर की एंड तक ये गेम आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें से कितना सही है कितना गलत है नहीं पता, बट ये 101% सोर्सेस कह रहा है कि नवंबर की एंड तक ये गेम आपको देखने को मिलेगा, और ज़्यादातर 80% चांसेस है ये दिवाली के दिन ही ये गेम लॉन्च होगा, यानी कि 14 नवंबर को ये गेम लॉन्च होगा, यानी कि कल
अगर आप बाद में देख रहे होंगे तो हो गया भाई गेम लॉन्च, अगर गेम लॉन्च हो गया होगा तो, और नहीं भी होगा तो, अगर नहीं हुआ होगा तो एंड तक ये गेम आ जाएगा, यानी 14 नवंबर को 80% या फिर 90% चांसेस से ये गेम लॉन्च हो, क्योंकि दिवाली है। और हाँ, और गाइस शेख फराजन टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। चलिए टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो 90% चांसेस है 14 नवंबर को ये गेम लॉन्च होगा। भाई लॉन्च होगा तो ढेर सारा प्यार देगा, कंटेंट ही कंटेंट होगा, जैसे कि हम आपको सब बता दें, जैसे बहुत सारे टेक्निकल इशू आते हैं, अगर आपने फ्री फायर खेलोगे, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलोगे तो पिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, तो वो देखते हैं आगे, हम उसके ऊपर भी अपडेट्स देते रहेंगे। इसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो लाइक नहीं किया तो फॉलो लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियो के साथ, तो चलिए बाय बाय।